आईना होती है। एक शायर अपनी शायरी अपने कलाम के जरिए समाज की अक्कासी करता है। वो हमारे माशरे और समाज के सुख दुख, रंजो मलाल, मुसरत और शादमानी जैसे दबे हुए एहसासात और जज्बात को गजल के साँचे में ढालकर आवाम के सामने पेश करता है। हाजरीन, अब मैं उस शायर को गजल के लिए दरख्वास्त करता हूँ जिसकी गजल सुनकर आप ये यकीन करेंगे कि फूल की पत्ती से हीरे का जिगर तराशना जितना मुश्किल काम है, एक अच्छी और सच्ची गजल कहना उससे भी ज्यादा मुश्किल काम। और इस फन के माहिर दिल्ली से तशरीफ लाए शायर जनाब इकबाल अशर है। मैं बड़ी अदब व एहतराम के साथ जनाब इकबाल अशर को दावत सुखन देता हूँ इन चार मिसरों के साथ के। ये अलग बात की खामोश खड़े रहते हैं, ये अलग बात की खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। जोरदार तालियों से इस्तकबाल करें माइक पर। अस्सलामु अलैकुम जनाब सदर, मुअज्जिज़ ख्वातीन व हजरात, नज़्म के एक बंद से शुरुआत करना चाहता हूँ। जाहिर है ये बज़्म उर्दू की मोहब्बत में सजाई गई है, बेशक, और उर्दू से जो हमारी मुनासिबत है वो एक ज़बान के हवाले से तो है ही, एक तहजीब के हवाले से भी है। और ज़बान भी वो जो हमारी मादरी ज़बान है। कुछ महसूस किया था मैंने चंद बरस कबल, उन तासुरात के साथ साथ उर्दू की एक मुख्तसर सी शेरी तारीख भी है। नज़्म को मुलाहिज़ा फरमाएं के उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरों की पहली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरों की पहली, मैं मीर के हमराज़ों ग़ालिब की सहेली, उर्दू है मेरा नाम, मैं खुसरों की पहली, ग़ालिब हालीन मुरौत का सबक याद दिलाया, इकबाल ने आईने हक मुझको दिखाया, इकबाल ने आईने हक मुझको दिखाया। ग़ालिब की सहेली। अब एक मुकम्मल गजल मोहब्बत से मुझसे सुनिए और अपनी मोहब्बतों के साथ मुझे रुखसत कर दीजिए। कि ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, क्या कहने, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, ठहरी ठहरी सी तबीयत में रवानी आई, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई, क्या कहने, आज फिर याद मोहब्बत की कहानी आई। भिवंडी के सामईन, आप लोग सुगन फहम ही नहीं सुगन महाफिज भी हैं। शेर की हिफाजत किस तरह की जाती है आपको बखूबी मालूम है। मैंने बिल्कुल ताज़ा अशार बतौर खास रफीउद्दीन फकीर बॉयज है स्कूल के इस मुशायरे के लिए कहे हैं। समाज फरमाए के मुद्दतों बाद पशीमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद पशीमा हुआ दरिया हमसे, मुद्दतों बाद हमें प्यास छुपानी आई, क्या कहने, बहुत खूब, मुद्दतों बाद
याद हमें प्यास छुपाने आई। एक और शेर आपकी समातों के हवाले, मुद्दतों बाद खुली उस वत सहरा हम पर, मुद्दतों बाद खुली उस वत सहरा हम पर, मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई। बहुत को मुद्दतों बाद हमें खाक उड़ानी आई। अब गजल का ये शेर दोस्तों खाकसार के बिल्कुल नई कोशिश है, आपके सुपुर्द करता हूँ। अच्छा। कि मुद्दतों बाद मयासर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद मयासर हुआ माँ का आंचल, मुद्दतों बाद हमें नींद सुहानी आई। अब गजल का आखिरी शेर दोस्तों, गजल का पूरा लब्बी लुबाब इसी में है, सुनते रहिएगा। कि इतनी आसान से मिलती नहीं फन की दौलत, इतनी आसान से मिलती नहीं फन की दौलत, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई, ढल गई उम्र तो गजलों पे जवानी आई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा, बहुत खूब। मैं जनाब सोहेल फकीर साहब से गुजारिश करता हूँ, जफर सर। दोस्तों आइए अब मज़ाक़ सुखन को बदलते हुए एक ऐसी शायरा को आवाज़ दी जाए जो महाराष्ट्र के शहर जालना से तशरीफ़ लाई हैं। आइए निस्वानी एहसासात की शायरी को सुना जाए। मोहतरमा नूरी अजीज़ी को ज़हमत कलाम देता हूँ मैं इन मिसरों से, कि जो उसके चेहरे पे रंगे हया ठहर जाए, जो उसके चेहरे पे रंगे हया ठहर जाए तो वक्त सांस